ये पीआईएल 3 लोगों के खिलाफ फाइल की गई है, सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस स्वतंत्र कुमार और मिनिस्ट्री यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की नोडल मिनिस्ट्री है। इसमें ये मांग की गई है कि जो उनके साथ लॉ इंटर्न के साथ पेटिशनर के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है उसकी सच्चाई क्या है, वो जो उन्होंने कहा है उसके सच तक पहुंचने के लिए जिस तरह पहले केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक फोरम प्रोवाइड किया था लॉ इंटर्न को, इस बार भी कोई फोरम दिया जाए। आज तक जो विशाखा गाइडलाइंस का कहना था कि हर इंस्टीट्यूशन में एक इन हाउस मैकेनिज्म होना चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स को डील करने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2011 जब ये लॉ इंटर्न जस्टिस स्वतंत्र कुमार के यहां एक ऑफिशियल इंटर्न थी और जस्टिस स्वतंत्र कुमार उस समय एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थे, वो फोरम उस समय भी वहां नहीं था और आज भी वो कंप्लेंट अगेंस्ट जज ऑफ और एनी अदर जुडिशियल ऑफिसर नहीं है। इसके लिए मांग की जा रही है कि जो सच्चाई है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक फोरम एक मैकेनिज्म बनाया जाए और जो 5 दिसंबर 2013 का फुल कोर्ट रेजोल्यूशन है कि फॉर्मर जजेस के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट एंटरटेन अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, उसको सेट असाइड करने की मांग की गई है, उसकी क्वाशिंग की मांग की है। और एक लार्जर प्रेयर भी है, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है कि जो भी औरतें लीगल स्फीयर में हैं उन सब के लिए एक परमानेंट मैकेनिज्म हो, चाहे कोई भी कंप्लेंट किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ हो पूरे देश में कहीं पर भी, उसके लिए एक परमानेंट मैकेनिज्म किया जाए। मेंशनिंग मैटर की सीनियर एडवोकेट मिस्टर हरीश साल्वे ने की है, ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट वेडनेसडे को सुनेगी।